फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में 16 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे जीएमआर में काम करते हुए 12 साल हो गए। जून 2017 में नाइट शिफ्ट में था तो अर्ली मॉर्निंग मुझे कॉल आया अराउंड 5:40 के आसपास कि नियर अबाउट 8 किलोमीटर शमशाबाद विलेज है उसमें फायर हो गया। तो तुरंत मेरे साथ दो फायर फाइटर थे उनको लेके मैं निकल गया। रास्ते में जाते जाते बोला सर ये कहाँ फायर हुआ होगा। मैंने बोला यार होटल का फ़ोन आया कि होटल में ही फायर है, मेरे ख्याल से स्मोकिंग किया होगा, किसी ने डाल दिया होगा, छोटा मोटा फायर होगा। जैसे ही स्पॉट में पहुंचे तो देखा तो ये पूरा सिनेरियो चेंज हो गया और ये बहुत बड़े फायर में था। जैसे ही पहुंचे तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर पहुंचे हुए थे, मिस्टर हरित रेड्डी पहुंचे हुए थे। उन्होंने बोला कि हमारे पास पानी की कमी है, हमको पानी चाहिए। तो तुरंत मैंने अपने ऑपरेटर को बोला कि आप इनको अपनी गाड़ी से पानी सप्लाई करो। जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया पर फिर उन्होंने हरित रेड्डी जी ने बोला कि अंदर कितने लोग हैं, हमारे पास थोड़ा सा बी ए सेट नहीं है, सर्विसेबल नहीं है, आप क्या कुछ कर सकते हैं इसमें। मैंने हाँ क्यों नहीं कर सकते, ये जून 2017 की बात है। अपने दो बंदे, उस टाइम उनको सिर्फ 2 महीने का एक्सपीरियंस था, उन्होंने बोला कि सर कैसे करेंगे। मैं बोला कि जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आपको चलना है। बोला वो इनमें वो लोग पॉजिटिव थे मेरे साथ, वो रेडी हो गए एकदम। बोला हाँ जैसे सर आप बोलोगे हम वैसे ही करेंगे। और एक सेफ जोन से एंटर किया हमने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं फायर फाइटर हूँ तो बिना देखे कहीं भी घुस जाऊँ। आपको असेस करना चाहिए कि पहले अगर मैं जहाँ जा रहा हूँ कि वो बिल्डिंग सेफ है कि नहीं है। तो वो सब असेसमेंट करते हुए हम एंटर करते देखा तो 7 मंजिल का बिल्डिंग था ये, 7 मंजिल अनुपमा लॉन्च, 7 मंजिल की बिल्डिंग थी। फर्स्ट फ्लोर में एंटर किया तो हर फ्लोर में 8 रूम्स थे। एंटर करते हमने ईच और एवरी रूम, ईच कॉर्नर, बेड के नीचे, वॉशरूम, सब जगह सर्च किया, आवाज़ लगाया, कोई नहीं मिला। साथ में हम लोग विंडो खोलते गए ताकि जितना स्मोक अंदर भरा हुआ है वो निकलते रहे बाहर। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, ऐसे पहुँचते पहुँचते हम 7th फ्लोर में पहुँच गए। और हमारे पास जो बी ए सेट रहता है, हम जो बी ए पहनते हैं, ब्रीथिंग अपरेटर सेट बोलते हैं उसको, उसका जो ड्यूरेशन रहता है टोटल 45 मिनट्स का रहता है। पर उसमें से हम लोग -10 जो अपना जो वर्किंग ड्यूरेशन है वो सिर्फ 35 मिनट्स का ही है, बाकी आपका वार्निंग विसिल का 10 मिनट्स का ड्यूरेशन रहता है। तो हम लोग पहुँचते गए तो हमारे पास जैसे हम 7th फ्लोर पर पहुँचे और तो पहुँचे तो वार्निंग विसिल स्टार्ट हो गई। वार्निंग विसिल स्टार्ट होते हमने बोला कि एक लास्ट सर्च हम लोग छत पर जाके देखते हैं टॉप फ्लोर पर कि कोई है कि नहीं। देखा तो वहाँ पर 15 से 20 लोग वहाँ फंसे हुए थे। बोला सर हम लोग ऐसे ऐसे हैं, हम लोग नीचे नहीं जाना चाहते। मैंने क्यों नहीं जाना चाहते, बोला नीचे पूरा धुआं आ रहा है नीचे से और फायर है आगे, हमको कुछ हो गया। तो मैं बोला कि अगर मैं हूँ, मैं ही नीचे से खुद आया हूँ ऊपर, और अगर मेरे को कुछ नहीं हुआ तो तुमको भी कुछ नहीं हो सकता है। तो उस बात में वो लोगों ने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, बोला नहीं सर हम ऐसा नहीं, आप जो बोलोगे वो एग्री हो गए उस काम के लिए कि आप जो बोलोगे वैसा हम वैसा करेंगे। तुरंत फिर उसी टाइम मैंने डिसीजन लिया कि ये मुझे फॉलो करेंगे, मैं आगे रहूँगा, इनको लीड करूँगा। और ये जो मेरे साथ जो दो फायर फाइटर थे उनको बोला कि आप इनको फॉलो करो। साथ में हमारा एयर कम हो रहा है, वार्निंग सिग्नल बजता जा रहा है कंटिन्यू, हम उसको बंद नहीं कर सकते हैं और वो चलता जा रहा है। और जैसे ही हमने फिर स्टार्ट किया क्रॉलिंग करके हम लोग अपना नीचे आने लगे स्टेयरकेस से आते आते आते, और हम ऊपर 7th फ्लोर, 6th फ्लोर, 5th फ्लोर, 4th फ्लोर, 3rd फ्लोर, लास्ट में आते आते लास्ट में हमारे पास सिर्फ 4 मिनट्स का एयर रह गया और हमने ये इवैक्यूएशन कंप्लीट किया।